और एक सवारी थी उनके पास गधा। अब ये तीन अफराद थे और एक सवारी थी। बच्चों ने जिद की वाले साहब से क्या हुजा ना बैठ जाएगी, हम पैदल चलेंगे। वाले साहब ने कहा नहीं बेटा आप दोनों बैठ जाए, हम पैदल चलेंगे। ये बहस हुई, वाले साहब ने कहा मैं कह रहा हूँ बैठ जाए। अब ये बच्चे बैठ गए और ये गधा चलना शुरू हुआ। तो आगे खड़े थे, देखो इतना ढीला जवाब नहीं चाहिए, सब बोलेंगे। आगे खड़े थे तो लोगों ने कहा लो जी कैसा दौर आ गया है, ना माकूल और खुद तो सवारी पे बैठी है और बेचारे बाप को पैदल चला रहे हैं। तो बच्चों ने कहा देखा तुझे क्या दिन आपने। अब ये बच्चे उतर गए, बाप बैठ गए और ये फिर चलना शुरू हुए। तो आगे खड़े थे लोगों ने कहा लो क्या जमाना आ गया, खुद मुस्तंडा सवारी में सवार है और बेचारे बच्चों को पैदल चला रहा है। अब ये बड़े परेशान, क्या करें, छोटे वाले को बहुत गुस्सा आता है ना, छोटे वाले को गुस्सा, क्या मजाक है अब्बू जान, आप बैठते हैं तब मुसीबत, हम दोनों भाई बैठे हैं तब मुसीबत। तो दरमियान वाले समझाया ठीक है कंट्रोल में रहो, अब्बू के सामने खड़े हो, ऐसा करते हैं अब्बू जान तीनों ही बैठ जाते हैं। तो बेचारा दरमियान में उनका बाप बैठा, आगे छोटा वाला और पीछे बड़ा वाला। अब ये फिर चलना शुरू हुए, अब जब ये चलना शुरू हुए तो आगे खड़े थे कहने लगे क्या दौर आ गया, बेजुबान जानवर पे तीन तीन मुस्तंडे लगे हुए। अब फिर छोटे वाले को गुस्सा, देखा मैं कह रहा था ना, बड़ा वाले का गुस्सा नहीं करो कोई बात नहीं, वाली देखा क्या करें यार, तुम दोनों बैठते हो मुसीबत, मैं बैठता हूं मुसीबत, तीनों बैठते हैं मुसीबत, लाना दे दो यार पैदल ही चलते। अब ये बेचारे पैदल चलने शुरू हुए तो आगे खड़े थे पागल लोग हैं, सवारी पास और पैदल जा रहे। तो फिर छोटे वाले गुस्सा, तो ये क्या है, बड़े आने गए थे कंट्रोल, बापू के सामने गुस्सा नहीं, काफी कम्बा गधे को ही तीनों मिलकर उठा ले। अब इन तीनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से गधे को उठाया और चलना शुरू हो गए। तो आगे खड़े थे कहने लगे पागल गधा उठा के ले जा रहे। तो अगर आप इस चक्कर में रहे ना जिंदगी में कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे दें, तो ये लोग आपको बहुत, आप चाहे गधे के ऊपर हो या गधा आपके ऊपर हो, आपको चीरे नहीं देंगे। तो आपने इस चक्कर में नहीं करना कि आप हर सवाल का जवाब, तो अगर आप इस चक्कर में रहे ना कि आप हर सवाल का जवाब दे दें, जो आपसे कोई पूछे बता बता दे, तो आप जिंदगी में परेशान हो जाएंगे। फिर आप ये वाली लॉजिक याद कर दीजिएगा कि भाई ये लोग हैं और लोग कभी आपकी तमाम बातों से आपको, आप उन्हें कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लॉजिक आप याद रखिएगा। सवाल तक बात कर रहे थे वसीफा घड़ी 5 रुपए की है। अब जो आपके आपसे ये सवाल कर रहा है घड़ी 5 रुपए की है, तो एक छोटी सी बात करके मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगा जल्दी से। मिसाल के तौर पर किसी बहुत ही अच्छे राइटर की बड़ी फेमस इंग्लिश की कोई बुक अगर हम लेना चाहें, सर माशाल्लाह क्योंकि आप ऑलरेडी अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, कोई अच्छी फेमस बुक अगर हम लेना चाहें कितने तक की मिल जाएगी मार्केट से? $100। $100 का मतलब हो गया पाकिस्तानी तकरीबन 8,000 रुपए, ठीक है, तकरीबन 8,000 रुपए की आपको एक बहुत अच्छी बुक मिलेगी। अब उस बुक को आप उठा के पहुंच जाइए किसी रद्दी वाले के पास, क्या वैल्यू लगाएगा सबको, इंसाफ का तराजू कहता है 2 रुपये ले लो, यही होगा, ये ले रहा है 8,000 रुपए की, वो कह रहा है जनाब चलो 2 रुपये दे देंगे, यही कहेगा ना। सिर्फ आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू लगवा किससे रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू लगा कौन रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। इसी मार्केट में रोलेक्स और दीगर वॉचेस भी बिकती हैं जिनकी वैल्यू कई लाखों रुपए में है, ऐसे ही ना। तो आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू किससे लगवा रहे हैं, ये इत्मीनान से देख लीजिए, समझ लीजिए, आप कभी जिंदगी में परेशान नहीं होंगे। वरना ये मिसाल याद रखिएगा कि वो जो $100 की बुक लेकर आए थे वो रद्दी वाला शायद उसे 5 रुपए भी नहीं देगा। तो आपकी इस प्रोडक्ट को आप किसके हाथ में बेच रहे हैं और कहां दे रहे हैं, थोड़ा सा रियलाइज कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कहां से मिली, अब इस पर भी तकलीफ।